देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है। ओ मेरे भाई देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियां यहाँ पे इतनी बुरी चलाते हैं। पीछे से मतलब करके इसका वही बना दिया, मोरा पूरा डिब्बा ही बना दिया। आग लग गई है देख रहे हो, यहाँ देख रही है इसमें पूरी आग लगी पड़ी टायर। भाई बता रहे यहाँ पे धूल मिट्टी खा खा के पता नहीं इसका क्या हाल हो गया। मस्टैंग जीटी यहाँ पे खड़ी हुई, इसे छोड़ दी भाई, देख रहे धूल मिट्टी कचरा एकदम। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भाई स्पेशल मैसेज है सऊदी अरब में, मतलब जो बाहर के जो लोग हैं सऊदी अरब में, मैं स्पेशल बता रहा हूँ, जो ड्राइवर हैं, जितने लोग ड्राइवर भाई हैं वो गाड़ी यहाँ पे बहुत संभाल के चलाएं, क्योंकि आजकल भाई यहाँ पे रूल इतने लग गए हैं और यहाँ पे भाई एक्सीडेंट इस टाइम पे मैंने बहुत होते हुए देखे हैं यार अपनी आंखों से। कहीं गाड़ियाँ पलट जा रही हैं, कहीं कोई पीछे से ठोक दे रहा है, कहीं कैसे, तो बहुत संभाल के चलाएं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो आखिरकार गाड़ी संभाल के चलाते हैं, हमारे इसमें कोई गलती नहीं होती, लेकिन भाई जो सऊदी लोग हैं ना बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं यार। हमारे इधर भाई इतना एक्सीडेंट होता है, इतना एक्सीडेंट होता है, देख के दिमाग ख़राब हो जाता है यार। तो ड्राइवर के लिए भाई आप लोग ज़रूर भाई गाड़ी संभाल के चलाएं और आगे पीछे देख के चलाएं। मैं भी भाई बहुत संभाल के गाड़ी चला रहा हूँ, 80-70 से ऊपर मैं चलता ही नहीं गाड़ी, वैसे पहले भी नहीं चलाता ना, अभी भी चलाता हूँ, 80-90 उससे ऊपर मैं गाड़ी चलाता ही नहीं, यहाँ पे भगाता ही नहीं, कितना भी चाहे मैडम बैठी हो चाहे मैं अकेला चला रही हूँ, इससे ऊपर भाई मैं गाड़ी नहीं चलाता। शाम के टाइम में आ रहा था तो एक सऊदी ने उसके बेचारे गाड़ी को मार के वो भाग गया, उसकी गाड़ी वहाँ हमारे साइड में खड़ी हुई। मैं आपको दिखाता हूँ यार, यहाँ पे बताता रहा हूँ यार, लोग ऐसे ऐसे गाड़ी चलाते, मतलब आप अपना अगला बंदा सही चला रहा होगा लेकिन पीछे वाले क्या पता, वो बहुत तेज़ चलाते हैं, कहीं इधर से कट मारें, कहीं इधर से कट मारें। बहुत सेफ्टी से गाड़ी चलाएं और अपना रखे ख्याल, अपने परिवार का रखे ख्याल। और ईद आ रही है और कोरोना के टाइम में भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको चल के भाई, हमारे घर के पास में यार उस बेचारे की मित्सुबिशी की गाड़ी थी यार, उसकी मारी धज्जियाँ उड़ा दी, पता नहीं यार उसमें ड्राइवर इंडियन था कौन था, मैंने देखा नहीं था, लेकिन वो मार के वो भाग गया था, ये तो मैंने देखा था। तो चलो फिर मैं अभी आपको दिखाता हूँ भाई क्या हालत कर दी उस गाड़ी की यार। तो ये देखो एक गाड़ी यहाँ पे मार रखी, क्या हिसाब से देख रहे हो मार रखी है, कितने बुरे हाल में मार रखी, देख रहे हो ये क्या कंडीशन है भाई, बताता रहा हूँ, देख रहे हो क्या हालत कर रखी है इसकी, ये मार रखी गाड़ी बता रहा हूँ, देख रहे हो अभी ये गाड़ी इस रोड पे स्पीड बहुत होती है भाई, इस रोड पे मैं बता रहा हूँ बहुत स्पीड होती है, और ये मित्सुबिशी वालों की गाड़ी है, देख रहे हो क्या पूरा पीछे से मतलब करके इसका वही बना दिया, मोरा पूरा डिब्बा ही बना दिया। और इतनी ये गाड़ियाँ इतनी मतलब हल्की होती भाई, इतनी हल्की गाड़ी है, देख रहे हो पूरा अंदर तक घुसा दिया इसमें। तो अभी तो दिखा रहा हूँ यहाँ पे रोड पे बहुत सारी यार, अभी एक यहाँ पे लगी, अभी आगे भी दिखाता हूँ, एक यहाँ आगे भी खड़ी है, ये देखो यहाँ पे कैमरा रखा हुआ, किसी को पता ही नहीं लगे, यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, ये सामने कैमरा रखा हुआ है, यहाँ पे किसी को पता नहीं लगे, ताकि ये इसमें सामने से कोई अगर तेज स्पीड में आएगा तो ये बाबा जी फोटो खींचेंगे। तो यहाँ पे कैमरा देख रहे हो कहाँ कहाँ रखे होते हैं इसमें, यहाँ पता भी नहीं लगेगा कैमरा रखा हुआ है। तो ये तो हाल है, देख रहे हो एक गाड़ी यहाँ पे, ये टायर वायर इसका पूरा फाड़ रखा है, देख रहे हो पूरा बहुत बुरी तरह से मार रखी है इसको भी भाई, देख रहे हो यहाँ पे तो गाड़ियाँ यहाँ पे बता रहे, देखो इसकी इन लोगों को चलाने की जो स्पीड है ना वो बहुत खतरनाक है, और जो हल्के फुल्के जो टायर होते हो तो फटेंगे फटेंगे। यहाँ पे सबसे मेहनत का काम भाई इन भाइयों का, अगर कोई मेहनत करता है तो यहाँ पे ये करते हैं भाई, धूप में बेचारे लगे रहते हैं, बता रहा हूँ यार यहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं भाई, बहुत मेहनत, क्योंकि यहाँ की धूप भी ना वो खतरनाक वाली है ना, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, और रोड पे काम करना तो यहाँ पे दिन में तो भाई अपने बता रहा हूँ, यहाँ के लिए रोड पे काम करने के लिए शरीर बहुत मजबूत होना चाहिए, हल्के फुल्के इंसान यहाँ पे नहीं काम आएंगे, हमारे जैसे बंदे। मेरे बगल से जी वैगन आ रही, क्या खतरनाक लग रही भाई, हाय 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 देव भाई, कलर यार इतना जबरदस्त है जी वैगन का यार, जी वैगन गाड़ी बता रहा हूँ, यहाँ सऊदियों की जान है इस टाइम पे जी वैगन भाई, सऊदी के पास तो जरूर बता रहा हूँ, हर घर में आजकल जी वैगन ऐसी ना कि हर दूसरे घर में जी वैगन मिलेगी मिलेगी, जी वैगन हो गई, जीप की रेंगलर हो गई, टोयोटा की अपनी लैंड क्रूजर हो गई, लेक्सस वालों की LX 570 हो गई, ये तो हर घर में कोई मतलब गाड़ी मिलेगी मिलेगी यहाँ पे, ये गाड़ियाँ ऐसी हैं। ये देख रहे हो कितना धुआं फेंकती हुई जा रही है यहाँ पे, अपने यहाँ तो ऐसी गाड़ी का चलान मार देंगे इतने पोल्यूशन वाली गाड़ी का, यहाँ कोई यार चलान चलून कुछ भी नहीं लग रहा है, इसकी भाई की भी गाड़ी खराब हो रखी है क्या, ये तो कुछ और कर रहा है अपना कचरा उचड़ा। अभी सामने भी अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एक गाड़ी में देख रहे हो, इसमें तो सेवन लेट वालों की गाड़ी है, ये देख रहे हो इसमें तो जली पड़ी है, इसमें तो आग लग गई है, देख रहे हो
यहाँ देख रही है इसमें पूरी आग लगी पड़ी, टायर टूर के पता ही नहीं टायर टूर इसमें कहाँ चले गए। तो ये तो हाल है भाई यहाँ पे, क्योंकि ये लोग गाड़ियाँ बहुत गंदी तरह चलाते रगड़ते हैं। इससे ये जो सेवोलेट वाली गाड़ी है भाई, इससे ड्रिफ्टिंग बहुत करते हैं लोग, बहुत बुरी तरह ड्रिफ्टिंग करते हैं। एस क्लास है तुम्हारी तो भाई बात ही अलग है एस क्लास की तो। हाँ भाई सुडानी क्या हाल है, सुडानी क्या हो गया गाड़ी ठोक दी क्या? हाँ लग तो रहा है गाड़ी गुड़ी ठोक रख के खड़ी कर रखा है सुडानी बुडानी दौर यहाँ पे यार, अत मचा रखी इन लोगों ने। ये देखो यहाँ पे एक हमर है, ये मतलब हमर है यहाँ पे, इसका कोई पुछत्तर ही नहीं है, तो यहाँ से सड़ रही भाई बता रहे, यहाँ पे धूल मिट्टी खा खा के पता नहीं इसका क्या हाल हो गया है। ये हमर का बता, बहुत टाइम से यहाँ पे खड़ी है, बहुत टाइम से यहाँ पे। क्या करके मानोगे, देख रहे हो गली से लेके चाचा निकल रहे हैं यहाँ तो बता रहा हूँ। ये वाली स्कूटी यहाँ पे सबसे ज्यादा चलती, बहुत ज्यादा चलती यहाँ पे स्कूटी। एक ये देखो यहाँ पे लेंटरा मार रखी, इसका भी टायर वायर पूरा उखाड़ ही रखा है। ये देख रहे हो सामने पूरा इसका टायर टूर, पता नहीं कैसे यार मारते हैं यहाँ पे गाड़िया, इसका टायर वायर सारा उखाड़ रखा है बता रहा हूँ। गाड़ी मार के खड़ी कर देते हैं यहाँ पे, तो यही खा दे भाई, गाड़ी मार के, गाड़ी मारने के बाद में खड़ी कर देते हैं, खड़ी करने के बाद में फिर अपना क्रेन वाला आए अपना लेके जाए, फिर ये लोग देखने नहीं आते हमारी गाड़ी कहाँ है अपने यहाँ। तो भाई आदमी खड़ा रहता है गाड़ी के साथ ही लेके जाता है कि कहीं यार लगी है, चलो कहीं और ये कुछ सामान वामान ना निकाल ले, कोई कुछ स्टूडियो पिस्टूडियो ना चुरा ले वैसे। लेकिन यहाँ देख रहे हो यहाँ मार दी तो छोड़ दिया, चाहे क्या कितना भी मतलब महंगा से महंगा इसमें इंटीरियर में स्टूडियो लगाया हो कुछ भी लगाया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे गाड़ी लग गई रोड पे खड़ी हो गई तो छोड़ के चले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे चोरी चकारी मेन चीज क्या है ना होती नहीं है। ये सामने जो मस्टैंग खड़ी भाई, ये कम से कम मैं इसको देख रहा हूँ एक महीने से, इसकी ऐसी गत कर रखी है, ऐसी गत कर रखी भाई मैं क्या बताऊँ यार, मतलब इतना बुरा हाल कर रखा है इस मस्टैंग का, पता नहीं इसमें क्या हुआ है भाई, ऐसे ही यहाँ पे मतलब कि खड़ी छोड़ दी है यहाँ पे, कोई मतलब वही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे मतलब देख रहे हो ये मस्टैंग जैसी गाड़ी यहाँ पे देख रहे हो, ऐसे जीटी मस्टैंग जीटी यहाँ पे खड़ी हुई, इसे छोड़ दी भाई, देख रहे हो धूल मिट्टी कचरा एकदम साफ लग रही, लेकिन पता नहीं यहाँ पे आदमी ये गाड़ी खड़ी करके भूल गया, पता नहीं मेरे यही नहीं समझ में आ रहा है। ये तो हाल है यहाँ पे देख रहे हो मस्टैंग जैसी गाड़ियाँ यहाँ पे यार। एक यहाँ पे दिखाता हूँ ये डोज खड़ी भाई, ये यहाँ से मैं इस घर पे देख रहा हूँ वैसे ही खड़ी रहती है यार, ना आगे करता है ना कोई पीछे, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ यार यहाँ पे बता तो छोड़ देते हैं लोग, पता नहीं कैसे यार मतलब इतना यार पैसा लोगों के पास में, इतनी बढ़िया बढ़िया। ये देख लो इस बेचारे के पास टोयोटा यारिस पे काम चला रहा है, जिसके पास गाड़ी है तो भाई वो महंगी महंगी गाड़ियाँ रोड पे छोड़ देते हैं, और जिसके पास नहीं है तो टोयोटा यारिस और ये टोयोटा यारिस, ये उसको क्या ये प्रियस थी, सॉरी कह रहा हूँ यारिस प्रियस थी ये, वो गाड़ी चला रहा है। तो चलता हूँ भाई अभी रूम पे, क्योंकि अब टाइम हो रहा है, और अब जाके अभी पानी वानी अभी दे के आता हूँ, क्योंकि आया था पानी लेने के लिए, तो पानी वगैरह ले लिया है, अब चल के दे रहा दे के उसके बाद अब निकलूँगा 4:30 बजे अफ्तारी लेने के लिए खाली, क्योंकि मौसम तो आज देख ही रहे हो क्या ज़बरदस्त हो रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है बेहतरीन। तो भाई 5 बज गया था, अभी चला था अफ्तारी लेने के लिए, क्योंकि डेली का दो तीन दिन और बचा है रमज़ान का भी, तो भाई बस ईद आने वाली है और इंशाल्लाह अच्छा अच्छा से दिन निकल जाए भाई तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी तो फिलहाल बहुत अच्छे से रोज़ा यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोरोना वरोना का कोई इतना वो नहीं है, लेकिन अपने यहाँ बहुत बुरा हाल है। तो अभी चल रहा हूँ अफ्तारी लेने के लिए, और क्योंकि कभी कभी क्या है अभी 2-3 दिन और बचा है ना, तो इस टाइम पे इतनी भीड़ है भाई, और क्या करते हैं इतने पहले ही यहाँ पे अब अफ्तारी बांट देते हैं, कभी कभी 4:30 बजे से लग रहा है मुझे बांटने लगते हैं, कभी कभी 5 बजे से, कभी कभी 5:30 बजे से, मतलब अभी कोई टाइम टेबल नहीं है यहाँ का। तो अभी चल के अफ्तारी लेके, ये सारे देख रहे हो जो भाई हैं सब अफ्तारी लेने वहीं जा रहे हैं, सारे अफ्तारी वहीं लेने जा रहे हैं, ये सारे भाई यहाँ पे अफ्तारी लेने जा रहे हैं। देख रहे हो धूप में यार एक लेडीज यहाँ पे बैठ के मांग रही, देख रहे हो कितनी धूप में यहाँ बैठी हुई है यार,
बहुत बुरा हाल है भाई, क्योंकि रमजान आ रहा है ना, तो रमजान के ईद आने वाली है ना, तब यहाँ पे ऐसे ही रोड रोड पे जगह जगह पे यहाँ पे औरतें वो भी नकाब पहन के मांगती है यहाँ पे, बता रहा हूँ। ये जो सारी लाइन चल रही सारी, ये देखो खाना वहाँ से मिल रहा, सब लेने जा ही रहे हैं, सारे भाई बंधु वहाँ अपने लेने जा रहे हैं। भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे भाइयों, ये देखो भाई भागता हुआ जा रहा है। तो भाई अड्डे पे आ गया हूँ अभी अफ्तारी लेने के लिए, और ये देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे अफ्तारी मिल रही है ये यहाँ पे, अभी मैं भी जाके लेके आता हूँ। गाड़ी यहाँ पे लगा दी, देख रहे हो अभी तो खाली पड़ा, अभी तो यहाँ पे खाली पड़ा है, अभी यहाँ खाली पड़ा, अभी कोई लेने के लिए है नहीं ज़्यादा, तो अभी मैं भी चल के आता हूँ, लाइन में चल के लगता हूँ। तो भाई अफ्तारी ले ली है, और अफ्तारी लेके अब रूम पे जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ हो गई थी, अभी तो भीड़ हो बढ़नी स्टार्ट हो गई लग रहा है, आज सबसे पहले मैं ही आ गया था। तो अफ्तारी लेके अब चल रहा हूँ रूम पे, अब सीधा रोजे अफ्तारी के बाद ही फिर निकलूँगा अब। ओ भाई ये देखो यहाँ पे एक्सीडेंट हो रखा है, ओ मेरे भाई देख रहे हो यहाँ पे, क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे इतनी बुरी चलाते देख रहे हो भाई यार, देखो पुलिस वाले गाड़ी आई हुई है, तो ऐसे ही भाई गाड़ी यहाँ उल्टी सीधा चलाते हैं तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, देख रखे हो भाई यहाँ पे। इस रोड पे बहुत एक्सीडेंट होता है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है यार इस रोड पे, बता तो रहा हूँ बहुत बुरा हाल है, देख रहे हो ऐसे ही भाई यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरी बुरी तरह गाड़ियाँ यहाँ पे ठोकते हैं, यहाँ पे ना ड्रिफ्टिंग करते हैं, इस वाले रोड पे क्या है ना ड्रिफ्टिंग करते हैं, गाड़ी ड्रिफ्टिंग करते हैं, देख रहे हो यहाँ पे बहुत बुरा हाल भाई, बहुत बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं ना ये लोग भाई, बहुत तेज़ चलाते हैं, बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हैं। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे कितना बुरा हाल होता है, कैसे लोग कैसे कैसे लोग गाड़ियाँ चलाते हैं यार, कितने खतरनाक खतरनाक ड्रिफ्टिंग करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं फलाना ढिमकाना, भाई बता दो यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है। मैं ड्यूटी से वापस आ रहा था तब देखा वो बंदा मतलब बहुत स्पीड में जा रहा था मेरे ख्याल से, तभी इतनी बुरी तरह उसकी गाड़ी लड़ी, देख रहे हो पुलिस वुलिस वाले सारे आ गए थे, तगड़ा इंजर्ड हुआ होगा तभी आए हैं। तो भाई गाड़ी बहुत सेफ चलाएं, आराम से चलाएं, देखभाल के चलाएं, और अभी मैं भी आया हूँ, अब दाल वाल चल रहा हूँ, अभी दाल बना रहा हूँ मैं भी, और भाई को दीजिए इजाज़त, अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।